फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकुंज और मैं नवसारी से आया हूँ और यहाँ पे मैं एमटी के लिए आया हूँ। तो जब तक मैं एमटी में नहीं था तब कैसा होता था कि जब भी हम घर पे होते थे तो कुछ भी ऐसा काम वगैरह कर लिया थोड़ा सा जिसमें पसीना बहाना पड़े और थोड़ा हाथ पैर चलाना पड़े, तो थोड़ा सा ही काम 5 मिनट तक भी नहीं होते थे, काम नहीं करते थे तो क्या करते, थोड़ी सी भी पसीना आए तो पंखा चालू करके ऐसे बैठ जाते थे। लेकिन जब हम एमटी में आते हैं तो यहाँ पे तो 3-3 किलोमीटर पहले दौड़वाते हैं सुबह में, फिर जॉगिंग से आते तुरंत ही एक्सरसाइज करवाते हैं, एक्सरसाइज होने के बाद तुरंत दूसरी एक्टिविटीज़, ऐसे बैक टू बैक ऐसी एक्टिविटी आती रहती है। और कितना भी पसीना आए लेकिन यहाँ पे जो रूल्स होते हैं कि पंखा चालू नहीं करना चाहे जितनी भी गर्मी हो, जितना भी पसीना आए, और ऐसे बैठना नहीं है कहीं पे भी, सर की परमिशन लेके ही बैठना है और सर भी परमिशन देते ही नहीं है कि बैठो आप। तो एमटी में इतना एक्सटेंड होता है कि अपने अंदर इतनी कैपेसिटी तो होती है कि ऐसा नहीं है कि 5 मिनट ही हम काम कर पाए, हमारी कैपेसिटी इतनी होती है कि हमें खुद ही नहीं पता होता है। जब तक ऐसे एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बताता हूं कि जब मैं पढ़ने बैठता था तो क्या होता था कि थोड़ी देर ऐसे पढ़ते थे, 1-2 पेज भी नहीं पढ़े होते तो ऐसा लगता है कि चलो अभी बहुत हो गया, बहुत प्रेशर आ गया माइंड पे, बहुत बॉडी थक गई है, अभी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ टीवी देख लेते हैं, मोबाइल पे फ्रेंड के साथ बातें कर लेते हैं या फिर कुछ भी सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि आप कुछ फ्री टाइम निकाल पाओ और कुछ एंटरटेनमेंट कर पाओ। यहाँ पे तो बैक टू बैक आपके माइंड सभी खेल आपके माइंड का है। आपकी जब भी हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं या ऑब्स्टेकल्स करते हैं, तो हमारी बॉडी इतनी थक जाती थी कि लगता है कि अभी सारी हड्डियाँ टूट गई है, मतलब पैरों में जान ही नहीं है, लेकिन फिर भी बैठने को नहीं मिलता। सर ऑर्डर देते थे कि एकदम विश्राम में खड़ा होना है बिना हिले डुले, चाहे कितने भी थक गए हो आप। तो इतना तो पता चलता है कि जो भी सारा खेल है वो बॉडी का नहीं है, मीन्स कि मसल्स पावर तो है लेकिन सारा खेल माइंड का है, माइंड मसल्स का है। बाकी बॉडी मसल्स हो या ना हो, यहाँ पे मैंने वो भी देखा है कि मेरे से काफ़ी फिजिकली वीक लोग थे वो भी मेरे जितना ही वर्कआउट करते थे, यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ करते थे और उतने ही पावर्स के साथ करते थे। तो पता चलता है कि एमटी में सिर्फ आपके मसल्स पावर ज़्यादा हो जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके माइंड का जो मसल्स है वो भी आपका इतना डेवलप होता है, इतना पावरफुल होता है, इतना स्ट्रांग होता है। तो यहाँ से मैं इतना तो सीख के जा रहा हूँ कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस इतनी ज़रूरी नहीं है, आपकी ब्रेन की जो फिटनेस है, माइंड की फिटनेस है, वो भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना बिना माइंड के, बिना माइंड पावर के आपकी बॉडी की जो मसल्स पावर है वो भी कुछ काम की नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास मसल पावर होगी लेकिन माइंड पावर नहीं होगी तो आप अपनी बॉडी का इतनी तरह अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से एमटी से मैं इतना सीख के जा रहा हूँ कि कैसे आपका जो माइंड का पावर है वो, उसकी कैपेसिटी क्या है वो आपको पता चलती है कि कितने हद तक आप जा सकते हो।